अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ दाल के पराठे, क्योंकि अक्सर घरों में दाल वेस्ट हो जाती है, तो अब हम बनाएंगे उससे पराठे। तो उसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एक कटोरी दाल, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से मिंट लीव्स और ग्रीन चिली, क्यूमिन सीड्स और चाट मसाला। अब हम आटा ले लेंगे और जितना हमें पानी चाहिए होगा वो ले लेंगे और इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दाल डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तब तक कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और जितना पानी आपको ज़रूरत है उतना पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और 4 पेड़े बना लेंगे उसकी तरह के और मैदा डस्ट कर देंगे और फिर पेड़े को बेल लेंगे। इसको अच्छे से बेलने के बाद हम इसको गरम तवे पे डाल देंगे और थोड़ा सा सिक जाए तो फिर हम इसको पलट लेंगे। अगर आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अब हम सारे पराठे जो हैं वो बना लेंगे और ये पराठे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने जा रहे हैं। सर्दियों के दिन और मज़ेदार पराठे, क्या बात है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर कितना लाइट ब्राउन हो गया है और अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमारे चारों पराठों को फ्राई कर लेंगे। फिर वही बात आ जाती है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप इन्हें चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं, इनका तीनों के साथ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी होता है, क्योंकि ये तो मैंने खाए और आई लव दिस पराठा। तो जी हाँ, तैयार है हमारे मज़े मज़े के पराठे और आप इसको अचार, चटनी किसी के भी साथ खाएं। बाय, अल्लाह हाफिज़।